या जगह अगर आप देखा तो यह है केसरी प्रेयर स्टैंड पहला जो मूल जी स्वामी ही बाकी दुकान का आगे को जो सीन है और अठावा फा आ चीज था ने दिखा रहे पिरो तागी डाने का ये युवक ही जिसका छह मटकी टाइप कुछ बर्तन ही जिसका के मायने कावड़ लेके आए ही अब वजन है 150 kg तो दिखावा था ने और मिलावा हूँ कि एक के सोच की चाल रही या एक श्रद्धा है या देखो देखो सौदो हो रो है कि अन कोई बताई है के तरीका ये लेके चले ही रोज तो वजन आऊँ चाल रही हो के साबू है तो अब बातचीत आऊँ कर सिया पतो चाल सी आप यो मित्र जो बेल्ट ले रखे है वो कठाऊ बपराए हो के बेल्ट के हाँ बेल्ट भाई मैं जिम करूँ जना मेरे मंगाइड है यो जो को बेल्ट है हाँ ये जिम में काम वेट के साबू आवे वेट के हिसाब से कितना वेट को है जी मैं अपा कुंटल 1.5 कुंटल 2 कुंटल 2.5 कुंटल तक भी ले इसका कोई दिक्कत नहीं कमर में पेन को नहीं होगा इससे पेन को नहीं होगा हाँ। और वो लगा के ही उठानो चाहिए हाँ जी जो लगा के उठानो चाहिए है ना पर नहीं कई बार बिना लगाए भी आया उठा पेन आ जाओ बाद में पेन आ जा इंदिम बोला तो दर्द दर्द राम राम भाई साहब के नाम बताए भाई नाम पंकज बराला गांव प्रोते रानी जिला झुंझुनू पिरोता ही नानी हो गया तो आ कावड़ जो की ले रहे हो हाँ। या हर साल ले आओगे या फर्स्ट बार ही ले रहे हो हर साल लेवा छोटी कावड़ है ये बार भारी वेट की 151 किलो की कावड़ है 151 किलो की कावड़ है तो आप बुद्धि कोई दिन नहीं या कोई श्रद्धा होगी या कन बताई कि भाई थे वो काम करो कि 150 किलो की कावड़ लेके आओ मारे साथ वालो बंदो है कि रोहित सेन नाम कर की वो अभी दशेक दिन पहले 141 किलो की कावड़ लोहागर जी झुंझुनू ले गयो अच्छा जी फिर उन देख के मैं भी प्रेरित होया हाँ हाँ कि चलो लो अपा हिंदू धर्म में हाँ अपनी आस्था है बोले बाबा के लिए अब की बार आपा भी वेट की कावड़ ले चला आप 151 के लेके चला इसलिए जगदीश भाई को सहयोग मिले और अजय बोले और मैं भी बोले और भाई पहले सोच ले फिर गाँव में आगे चर्चा करी ना बोले हाँ आपको फुल सपोर्ट है सगड़ा भाई को चलो आपा भी आपने ढाने मान लिया दोस्त तारी बात मनाया लगे की वो देखो देखो सौदो को या फिर एक श्रद्धा लेके चले एक श्रद्धा है देखो देख तो यहाँ की रात दिन करने बैठा जी को असर तो वही को कोई भाई एक यह भी है कि हिंदू धर्म का महीने वो चलो आपा भी एक लेके चला नहीं धर्म धर्म को हिंदू धर्म की बात को ना हर धर्म है वो कुछ न कुछ सिखावा हर धर्म एकदम अपना आप में सर्वोच्च है मानना है हर धर्म की इज्जत तो धर्म का सगला काम करा गया आप सगला काम तो आपनो धर्म में जो लिखेड़ी में काम करा गया आप मैं तो आपनो जो मुमकिन काम है बस सब करा मतलब कि आपा कोई संन्यास लेके बैठ जाओ मतलब एक एंजॉय भी हो जा रहे हो काम भी हो जा हां सब काम हो जा है ना एंजॉय भी हो जा सब काम को नहीं होवे एंजॉय का मन तो हो ही जाए भाई साहब एंजॉय हो जाए तो यार सगला सागर लिया मार हर बार लेवाया छोटी भी लेवाना है के बड्डी भी लेके चलना पर आखिरी बार और बड्डी लेके चलना अपन देख की पर और भी कोई लेवे फिर बोले बाबा को नाम लेके चलना आपा के काम को नहीं उसका संपूर्ण सब कुछ हो जाए यो एक विश्वास है तारो विश्वास के अपन लो लो करना छान ठा की मिल दिया और नहीं कौन से मिल रहा है लो लो करके गाड़ी कर धक्को मारिया के ले जाओ आप तो लो लो का मन सो के लो रे जय बाबा की जय बोले ना ठीक करता लो लो मतलब बोला तो पावर पावर यूटो पावर आ जाए मैंने एकदम पावर आ जाए पावर आ जाए जी पसीना गुण तो मैं यहां सुनी है हां देखो मैं देखो कोना है मैं सुनी है मुन का मान का भी लिया करो ये चीज है मुन का वो बेरो फड़का में है बाबा को नहीं बेरो के फड़का में इतो बेरो ये बोले बाबा को नाम लियो और जरूर मतलब बोलो बाबा को नाम ही मुनका है नाम ही मुनका है मार तो भाई मुनका है नाम ही मुनका नाम ही मुनका है सभी का नाम ही पावर आ जाए पता जाए अब दे लो तार सामने सगड़ा बैठे हैं कोई सो बया लागे हो ना सोकरड़ो गया ना सब एकदम चिल्ली टेस्ट कर लो कोई सा और अभी है ना 1 घंटा और चले से तो चाव बढ़ रहे अब बोलो जब मुनका कड़े करेंगे कड़े किए करेंगे तारा तो खानो दानो के साबु कर रहे हो खानो रास्ता मारो होटला पर खाल्या और फल फ्रूट खा लिया दो जगह पड़े वो भंडारा मिला दो जगह भंडारा भी रुके आगे हाँ मैं रोकिया माने रुक्या, पर थोड़ी देर रुकिया फिर मैं वापस चल पड़िया तो जय थे अकाउंट कद लेके चला गुरुवार न शाम के कै घंटा होगा देख लो 3 दिनों ते चालन का लाग रहे हो हाँ तो
कै घंटा को एवरेज का हिसाब से चाल रहा हो या फिर एक मीटर लेके चाल रहा हो या किलोमीटर का हिसाब चाल रहा होगी कितना टाइम आप चलांगा? 7 या 10 किलोमीटर के बीच का, 5 भी चाल लिया 10 भी चाल लिया 7 भी चाल लिया पर डे? पर डे, पर डे नहीं, नहीं एक स्टॉपेज को जाए, मतलब सुबह चलिया दोपहर को खाने तक, फिर खाना चलांगा रेस्ट करके थोड़ी देर। अभी देखिए वहाँ से रुक के आया हो, हाँ तो 5 किलोमीटर होगा कि लगभग, तो 5-1 किलोमीटर से चाल लियो जना कितना टाइम लग जाता है? लगभग 3-4.5 घंटा भी लग जाए, 3 घंटा तक लग जाए। हाँ। कौन सा गांव आया? पिरोदाणी हूं। कड़े से पढ़ाया? या इंडाली बुढुंदा रोड पर। इंडाली बुढुंदा रोड पर, अच्छा। हरे गांव और लोहागर जो दाम है बड़े तक कितो किलोमीटर है? 70 किलोमीटर 70-75 किलोमीटर तो लगभग तो कर ले आते। हाँ। अब कै किलोमीटर और बचो? अब 17-18 किलोमीटर और बचे। आदमी कितना हो? 15 आदमी हो गए। छोटी कावड़ी दो पिकअप वाला है, 3 डीजे वाला है और 15 में 20 है टोटल। थारो के नाम है भाई साहब? मेरा विक्रम मील। विक्रम जी, ये जगह कावड़ लेके आए हैं, ए डीजे सागर हां के, और डीजे भी शानदार है, जोरदार डीजे लेके चले हैं और पूरा इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉय का सागर ये चालन का लाग रहे हैं। ते देख सको कि एक तस्वीर में उरलो फाटक खुल्यो, दूसरी में उरलो और ऊपर का जो को सेफ है वो अलग तरीका खुल्यो। हाँ, सागर सागर में भी डीजे को पूरा लुप्त उठायो, पूरा आनंद मंगल करे।